नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एस्टोर टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एस्टोर टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एस्टोर टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एस्टोर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एस्टोर एक ब्रांड नेम है। एस्टोर टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन अटोरवेस्टेटिन होता है। एस्टोर टैबलेट 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg और 80 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एस्टोर टैबलेट का उपयोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। एस्टोर टैबलेट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल को LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा एस्टोर टैबलेट ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कम करती है। ट्राइग्लिसराइड्स फैट की ही एक टाइप है जो ब्लड में पाई जाती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से नसों में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है। ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एस्टोर टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एस्टोर टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, बदहजमी, शरीर में कमजोरी व थकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज होना और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। एस्टोर टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में एस्टोर टैबलेट की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा एस्टोर टैबलेट की वजह से शरीर की मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द आदि साइड इफेक्ट्स भी एस्टोर टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अगर आपको एस्टोर टैबलेट को लेने के बाद शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण रैबडोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं। रैबडोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वजह से मांसपेशियों से मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती है। वैसे रैबडोमायोलिसिस होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में एस्टोर टैबलेट की वजह से रैबडोमायोलिसिस भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एस्टोर टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एस्टोर टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। ज्यादातर डॉक्टर एस्टोर टैबलेट को शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में एस्टोर 10 mg से लेकर एस्टोर 20 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने पर डॉक्टर एस्टोर टैबलेट की डोज को बढ़ाकर एस्टोर 40 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। एस्टोर टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एस्टोर टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि एस्टोर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आप अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अच्छी तरह से कम करना चाहते हैं, तो आपको एस्टोर टैबलेट को लेने के साथ साथ कम कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेनी चाहिए और घी व ज्यादा तेल से बने भोजन को खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। लिवर की कोई बीमारी होने पर एस्टोर टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एस्टोर टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित
सुरक्षित नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना एस्टोर टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एस्टोर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।